जब आपको सिरदर्द होता है तब आप क्या करते हैं? पेन किलर्स खाते हैं। हो सकता है इसे खाने से आपको तुरंत आराम तो मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती है। सिरदर्द ठीक करने के लिए आप आयुर्वेद की मदद भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताया गया है जिन्हें प्रेस करने और जिन पर मसाज करने से आपको सिरदर्द से राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। सिरदर्द कई वजह से हो सकता है। अगर आपको साइनस की वजह से सिरदर्द हो रहा है तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करें। मैं इन्हें प्रेस करने के लिए जिमी की मदद ले रही हूँ। आप चाहें तो पेन के जो बैक साइड का एरिया होता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करते समय ध्यान रखें कि आपको चोट ना लगे। आप इधर देख सकते हैं, यहां आपको प्रेस करना है सर्कुलर मोशन में। ये नाक का निचला हिस्सा है जहां आपके नथुने होते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल के साइड में आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए प्रेस करना है। इसके बाद आप सर्कुलर मोशन में इन्हें मूव करते हुए अपने हाथ को ऊपर लेकर जाएं। इसे करते समय आपको अपनी नाक की आउटलाइन का ध्यान रखना है। कई बार साइनस की वजह से आपको इधर की तरफ भी दर्द होता है, तो आप इस तरीके से जिमी को ऊपर ले जाते हुए यहाँ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करें, फिर दूसरी तरफ से। अगर आपको सरदर्द पूरे स्कल में हो रहा है तो बेहतर रहेगा अगर आप अपने यहाँ पर टेम्पल्स पर इस तरीके से मसाज करें। अगर आपको एक्यूप्रेशर देना है तो आप जिमी की मदद ले सकते हैं। हो सकता है कि जिमी का ये एरिया आपको चुभे, आप पीछे का एरिया भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं उस समय। ऐसे एक्यूप्रेशर कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करके दें तो ही इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर आपको तेज सर में दर्द है तो बहुत तेज ना दबाएं, हल्के हाथों से प्रेस करें और सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अगर आपको सरदर्द सिर्फ इस एरिया में हो रहा है, ये वाला, तो आपको यहां जहां आपका आज्ञा चक्र होता है वहां इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इसके बाद हम आईब्रोज के ऊपर वाले हिस्से को कवर करेंगे। यहाँ आज्ञा चक्र पे रखने के बाद आईब्रो की जो अपर साइड का हमारा आउटलाइन है, हम उसे प्रेस करते हुए इस तरीके से अंदर से बाहर की ओर मूव करेंगे। अब दूसरी तरफ से। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हर तरीके के सरदर्द पे काम करता है और वो यहाँ होता है आपके अंगूठे और तर्जनी के बीच में। यहाँ आप चाहें तो जिमी की मदद से यहाँ प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप इस तरीके से दो उंगलियां लेकर और इसे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको पीछे की तरफ अंगूठा रखना है और आगे आपकी उंगलियां। आप चाहें तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से प्रेस करें, कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर रिमूव कर दें। अगर आपके पूरे स्कल में दर्द हो रहा है और आपको वो सहा नहीं जा रहा, तो आप इस तरीके से अपना हाथ खोलकर ऊपर की तरफ स्कल पे रख लीजिए और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से प्रेस करते हुए मूव करें। अब उल्टी दिशा में। सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ और बातें भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव हो उस समय, बेहतर रहेगा अगर आप एक स्मॉल वॉक के लिए आसपास चले जाएं
ऑफिस में हैं तो थोड़ा पानी पीने के लिए ही उठ जाएं, इधर उधर देखें। दूसरा, हो सकता है कि आपकी आई साइड वीक हो, अपनी आंखें कम से कम 6 महीने में या फिर 1 साल में एक बार चेक जरूर कराएं। इसके अलावा हो सकता है कि आपका सर दर्द बहुत ज्यादा एंशियस फील करने की वजह से हो रहा है, तसल्ली से बैठ जाएं और घूट घूट करके पानी पीजिए, आपको जल्द राहत मिलेगी। सिर दर्द की एक और वजह भी हो सकती है कि अगर आपको टूथ एक है तो भी आपका सिर दर्द बढ़ सकता है, इसीलिए अगर आपको लगातार सिर दर्द है तो आंखों के साथ साथ अपने दांतों को भी चेक कराएं। दोस्तों, उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल पाएगी। अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। और ऐसे ही अमेजिंग योग वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।